हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। और मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ही सिंपल तरीके से डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और क्यों आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर जो है लेना चाहिए। पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम डिजिटल मार्केटिंग है क्या इसको समझना चाहें, तो जो भी कंपनीज हैं, चाहे वो जो प्रोडक्ट बनाती हैं या सर्विसेज हैं या कोई भी एक्स वाई जेड जो काम करना चाहते हैं, बिजनेसेस हैं, वो सभी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस यानी कि उनके कस्टमर्स को बढ़ाना चाहते हैं, वहां तक रीच करना चाहते हैं। और ऐसे में आज की डेट में हर इंसान जो है, चाहे फिर वो आपका बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चे हैं, सभी जो है, सभी एज ऑफ ग्रुप के जितने भी टारगेट ऑडियंस हैं वो सभी एक ही जगह पे मिलते हैं, दैट इज दी मोबाइल्स के ऊपर में, सोशल मीडियाज के ऊपर में, यूट्यूब वीडियोस के रूप में। तो यानी कि अब अगर ऑडियंस तक पहुंचना है, अपने राइट क्लाइंट तक पहुंचना है, तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहां पे करनी चाहिए, जहां पे लोग हैं। तो लोग कहां पर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, वीडियोस पे हैं। तो यहीं पे जो कंपनीज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, यही कॉन्सेप्ट को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, राइट। अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत सिंपल तरीके से हमने सीख लिया, अब हम यहां पे समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेहतर क्यों है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो इसमें ना 5 पॉइंट है मेरे पास में। तो पहला पॉइंट है आपका लार्ज ऑडियंस। लार्ज ऑडियंस यानी कि अगेन, ज्यादा से ज्यादा लोग आज की डेट में जो टाइम स्पेंड करते हैं वो सोशल मीडिया, वीडियोस और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, तो इसीलिए जो है यहां पर हमें लार्ज ऑडियंस मिल जाती है अगर हम किसी भी बिजनेस या सर्विस की ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। दूसरा यहां पर आता है राइट टारगेट ऑडियंस। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, ट्रेडिशनल में क्या है, आपने मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में या किसी भी होर्डिंग लगवा दिया आपने, अब होर्डिंग लगवाना हो या न्यूज़पेपर के अंदर एड डलवाना हो तो उसमें काफी ज्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं। और वो जो न्यूज़पेपर है वो, ये आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपके राइट ऑडियंस तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं वहां तक रीचेबिलिटी है उसकी या नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास में पैरामीटर नहीं है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। वेरिन आपके पास में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर राइट टारगेट ऑडियंस के ऑप्शंस हैं। आप किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं, आप जो है किस तरीके लोगों को जो है टारगेट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें जो हैं बहुत आसानी से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम टारगेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास होता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है, अगर हम बात करें, लेट से आपने कहीं पर एक होर्डिंग लगा दी, उसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। मान लो एक सिटी के अंदर 2-3 होर्डिंग लगवानी है तो आपको जो है कम से कम 1.5-2 लाख रुपए जो है लगाने पड़ेंगे। अब वो 1.5-2 लाख रुपए आपको कितना रिटर्न देंगे ये आपको नहीं पता है, लेकिन यहां पर आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है कि बिकॉज आप जो है अपनी, पहला तो यहां पर आपके पास में है, मान लीजिए आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है, तो अगर कोई 20 किलोमीटर दूर बैठा है या 25 किलोमीटर दूर बैठा है वो डेफिनेटली आपके स्टोर पे नहीं आएगा, बिकॉज आपका स्टोर जो है उनसे बहुत ज्यादा दूर है। तो आप वहां पर मार्केटिंग करके का फायदा भी क्या होगा, विच इज अ वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन यहां पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पास में जो है डिस्टेंस भी आप जो है कवर कर सकते हैं, जितना कम आपका डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा आप पैसा लगा के उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर डिस्टेंस कम है तो आप कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी ज्यादा एरिया कवर करना तो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपका जो है यहां पे कॉस्ट इफेक्टिव आ जाता है। और चौथे की अगर हम बात करें तो यहां पे इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। इमीडिएट फीडबैक कहने का मतलब है मेरा कि जब भी हम जितने भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग के एडवर्टाइजमेंट के या एनालिटिक्स के जितने भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, वहां से हमें यह पता चल जाता है कि जो हम अभी मार्केटिंग कर रहे हैं डिजिटल के तहत, वहां से हमें कन्वर्जेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लोग कहां पर आ रहे हैं, किस लेवल तक आ रहे हैं, वहां से आने के बाद फिर वो वापस कहां जा रहे हैं, क्या वो हमारे पेज से आउट हो जा रहे हैं, क्या वो आगे कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें यहां पर एक इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है कि हमारा जो कॉन्टेंट है किस लेवल का, किस लोकेशन का
कंटेंट है जो काम नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, उस हमारे जो लैंडिंग पेजेस हैं हम उसमें कंटेंट चेंज कर सकते हैं या उसमें देख सकते हैं, एनहांसमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, देन फिर वापस ट्राई कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे इमीडिएट फीडबैक आपको मिल जाता है। यहां पे पांचवा आता है आपका इजी ट्रैकिंग। इजी ट्रैकिंग कहने का मतलब अगेन वही चीज कि आप जो है सारी चीजों को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो ऑडियंस है वो किस किस से लोकेशन से आपके पास में आ रहा है, किस तरह का ऑडियंस आ रहा है, किस एज ग्रुप का आ रहा है, यानी कि आपको हर चीज जो है क्लैरिटी मिल रही है कि जिसको आपने टारगेट करा है, जिस लोकेशन को आपने टारगेट करा है, क्या वाकई वहां से आपके पास में, इनफैक्ट हमारे पास में यहाँ पे ट्रैकिंग के अंदर इतने एडवांस ऑप्शंस हैं गूगल एनालिटिकल जैसे, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर में अब कौन किस लोकेशन से कनेक्टेड है, वो क्या कर रहे हैं, कौन से पेज पे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप रियल टाइम में भी जो है ट्रैकिंग कर सकते हो। दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेयर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें आपके पास में ऑप्शन नहीं होते हैं। अब ये तो कुछ हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख लिया, बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे लिए करियर ऑप्शंस क्या हैं, क्या हम एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आना चाहिए, अगर आते हैं तो हम कैसे शुरुआत करें, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी वेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हैं उनके बारे में जानना होगा, यानी कि अगर हम डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो हमें SEO यानी कि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन भी आना चाहिए, हमें वेबसाइट डेवलपमेंट भी आना चाहिए, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आना चाहिए, हमें ईमेल मार्केटिंग भी आना चाहिए, हमें ऐप मार्केटिंग भी आना चाहिए। ये कुछ ऐसे एक रिक्वायर्ड जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए इन केस अगर आप अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हो। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर बनाने की। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, अगर ये सब चीजें आपने कवर अप कर ली हैं तो अब आप जो है अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल रेडी करें और प्रोफाइल रेडी करके आप जो है खुद की डिजिटल मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दें। अब जब खुद की डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आपको क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पास में लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब उन लीड में से अगर 100 लीड्स आई हैं तो माइट बी आपके पास में स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज आपका कोई अभी आपके पास में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कि आपके जो 100 में से सिर्फ 5 या 7 क्लाइंट आपको जो है काम दें। लेकिन अगर आपको काम कोई फ्री में भी दे रहा है तो मैं तो बोलता हूं आपको कर लेना चाहिए, सो दैट कि एटलीस्ट आप अपना पोर्टफोलियो जो है रेडी कर सके। अब एक बार आपका जो है शुरुआत होगी देन आपको भी कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, आपका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होता चला जाएगा, क्लाइंट्स की भी रीचेबिलिटी आपके पास में ज्यादा हो जाएगी, लीड्स ज्यादा आने लग जाएंगी, तो डेफिनेटली स्लोली ग्रेजुअली जो है आप इन सारे ऑप्शंस पे, चाहे फिर वो आपकी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट है या आपकी गूगल एडवर्टाइजमेंट है या किसी और प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रैकिंग सिस्टम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारा जो इंटरकनेक्टेड है, ये सारी सिचुएशंस अगर आपको समझ में आती हैं, आप इन सबको हैंडल कर सकते हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से क्यों बेहतर है कि लोग आपके पास आएंगे, क्या क्या ऑप्शंस आपको सीखने पड़ेंगे अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, किस तरह से आप शुरुआत करना कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर की, ये आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आएगा। फिर भी कोई ऐसा सवाल रह गया है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर जितना जल्दी हो सकेगा उतना आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है यानी कि नए हैं मेरे चैनल पे, नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है और साथ ही साथ लाइक और आपको बेल का आइकन प्रेस कर देना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर मिलता हूं एक और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।